इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये हरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संसार की कोई भी सोच आप अपने मन में डाल लीजिए, कल्पना उसी का नाम है। क्योंकि संसार कल्पनाओं से गतिमान होता है, और धर्म की कोई भी सोच आप अपने अंतर मन में डाल लीजिए, उसका नाम भावना है। दोनों को तीन मजबूत चीजों की आवश्यकता पड़ती है। संसार का विकास करना हो तो हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन संसार में रह करके अपना विकास करना हो तो वो विकास भी दो प्रकार का है, एक कल्पनाओं का विकास और एक भावनाओं का विकास। संसार की कोई सोच मन में डली है, इसको वॉल्यूम थोड़ा धीमा करेंगे। संसार की कोई भी सोच मन में डली है वो कल्पना है, उस कल्पना के विकास के लिए हमें किसी आदर्श की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आपके दिमाग में कोई आदर्श नहीं होगा आप अपने संसार को भी डेवलप नहीं कर पाते। अब आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, कोई भी स्तर पर आपका जीवन निकल रहा है, आपके जीवन में कोई एक आदर्श होगा। आदर्श क्या है? आदर्श इतनी ऊंची वस्तु है कि वहां तक हम पहुंच तो नहीं पाएंगे, लेकिन मन बार बार कहेगा पहुंचना तो वही है। मान लीजिए धन का लाभार्थी है, कोई धन चाहता है, तो आजकल
हर आदमी अडानी बनने की सोचता है कि धन चाहिए तो कितना। आदर्श क्या बनाया है आपने? अडानी को। क्यों? संसार का, संसार में रह करके संसार को बढ़ाने की एक कल्पना है, उस कल्पना में आपने आदर्श अडानी को निश्चित किया, वो एक आदर्श बन गया। पहुंच तो नहीं पाओगे, लेकिन मन कहेगा बार बार कि वहां तक पहुंचना तो है। उस आदर्श तक पहुंचने के लिए आपके पास आलंबन भी होना चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए कोई आलंबन वस्तु भी चाहिए, किसी किसका सहारा लेकर के हम वहां तक पहुंचेंगे। संसार में जितनी भी संसार की आपकी सोच है बंधुओं, वो कल्पना है। उस कल्पना के लिए भी तीन चीजें, एक आदर्श की, एक आलंबन की और तीसरी आचरण की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में विकास करना हो, मोक्ष मार्ग में भी विकास करना हो किसी भी साधक को, तो उसको अपना एक आदर्श बनाना पड़ता है। दुनिया में रहने वाले गिने चुने साधु होंगे दिगंबर जैन संप्रदाय में, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी को अपना आदर्श बनाया। अधिकतम लोगों में तो गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ही आदर्श के रूप में साधु समाज में प्रतिष्ठित हैं। क्या उनके जैसा बनना है, उनको पाना है। आदर्श ऊंचा है, आप पा तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप आलंबन के साथ रहने का प्रयास करें। आलंबन क्या? आलंबन वह वस्तु जो आपके हाथ में है, आपके साथ में है। संसार का मार्ग तय करना हो तो भी आपको कुछ ना कुछ आलंबन तो हाथ में होगा। और मोक्ष मार्ग में या फिर धार्मिक क्षेत्र में आपको विकास करना हो, उसमें भी आलंबन काम करता है। कुछ ना कुछ आलंबन तो है। आप धार्मिक क्षेत्रों के अपने उस आलंबन के ऊपर एक बार दृष्टिपात करके देखिए। मान लीजिए आपके धार्मिक वातावरण में आपका उच्चतम आदर्श गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। आपने सोचा है कि कभी उनके साथ रहने का, उठने का, बैठने का, बात करने का मौका मिले, ऐसा सोच मान लीजिए आपके मन के अंदर बनी है, तो उसके लिए आपके हाथ में आलंबन क्या है? आलंबन है आपके नगर में विराजमान वे सदगुरु जिनका सहारा लेकर के आप अपने आदर्श तक पहुंच सकते हैं। कोई मुनि महाराज हैं, कोई आरिका हैं, कोई श्रावक है, छुल्लक है, छुल्लिका है, जो गुरुदेव से दीक्षित हैं, या फिर कोई अन्य भी मुनि महाराज हैं जो आपके नगर में प्रवासरत हैं, उनका सहारा लिया, ये क्या है? आलंबन। और सिर्फ एक आलंबन नहीं है बंधु, और भी बहुत कुछ है। आपके पास व्रत भी हो सकते हैं, आपके पास देवशास्त्र गुरु भी हो सकते हैं। धार्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए जप तप संयम माला पूजा वैयावृत्ति क्या कुछ नहीं है आलंबन में। लेकिन आलंबन मात्र उपस्थित होने पर भी आपका भला हो जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आलंबन तो बहुत सशक्त आपके हाथ में है, लेकिन हमारी आचरण की प्रवृत्तियों में आलंबन का कोई प्रयोग नहीं है। हम आचरण में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। महाराज के पास जाकर के हमने सिर्फ आलंबन को नमस्कार करने की कला सीख ली है। आलंबन को नमोस्तु करो, नमस्कार करो, ढोंक दो और चले आओ। तो ढोंक देने से आलंबन आदर्श तक नहीं पहुंचा सकता, वो तदनुरूप आचरण भी आवश्यक होता है। संसार में या फिर धर्म के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में विकास करना हो, आदर्श की, आलंबन की और आचरण की, तीनों की बहुत महती भूमिका है। सबसे पहले आप जहां भी हैं अपना पहले एक बहुत उच्चतम स्तर का आदर्श निश्चित कर लीजिए अपने मस्तिष्क पे। उस आदर्श को स्थापित करने के बाद आप उस आदर्श के प्रति अपने आलंबन के साधनों को एक बार टटोल लीजिए कि उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए जिन आलंबन का मैं सहारा ले रहा हूं, इस आलंबन के माध्यम से क्या मैं उस आदर्श तक पहुंच पाऊंगा। आपको लगेगा
कि आलंबन आपके हाथ में आने के बाद भी आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। आचार्यों से पूछा क्यों? क्योंकि जानाति धर्मः नचमे प्रवर्ति, जानाति धर्मः नचमे निर्वर्ति। एक श्लोक है, श्लोक कहता है कि मैं धर्म को जानता तो हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को जानता तो हूं लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। आचरण में अगर आलंबन नहीं है तो आप कभी भी आदर्श तक नहीं पहुंच सकते। ये बात उस महिला को बहुत अच्छे से पता थी। एक मां की कहानी है बंधुओं। उस मां को पता था कि कल्पनाओं से कुछ मिलने वाला नहीं है। कल्पनाओं में आप अरबपति बनने की सोचेंगे, कभी अरबपति बन नहीं पाएंगे। लेकिन कल्पनाओं में अगर आप सोचेंगे कि मैं कब दानवीर बन जाऊं, कब मैं भामाशाह बन जाऊं, कब मैं किसी तीर्थंकर की जैसी देशना दूं, तो निश्चित ही वो भावना आपके लिए जीवन के विकास का कारण बनती है। और ग्रंथकार ने लिखा भी है, इतिस चिंता मणिर दिव्यः इति पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकिनः। ये इष्टोपदेश की एक कारिका है बंधु। वो कारिका कहती है कि ध्यान के माध्यम से दोनों चीज मिल रही है। एक चिंतामणि रत्न भी मिल रहा है ध्यान के माध्यम से, और दूसरी तरफ पिण्याक खंडकम। पिण्याक कहते हैं सड़े हुए को, खंडक कहते हैं खली के टुकड़े को। मतलब मूंगफली अगर आपने अच्छी वाली दल दी है तो उसको दलने के बाद उसको खंडक कहते हैं, लेकिन उसमें भी घुनी हुई मूंगफली के माध्यम से आपने उसका तेल निकाल करके जो उसका खली भाग बचा है उसको कहते हैं पिण्याक खंडक। तो इति चिंतामणिर दिव्य इति पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुवे लब्बे क्वाद्यांतराम विवेकन। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप क्या चाहते हैं, एक अरबपति बनने की भावना रखना या फिर अरबपति जैसा दान देने की भावना रखना? क्या अरबपति बनने की कल्पना अच्छी है कि अरबों का दान देने की भावना अच्छी है? आप बताइए क्या अच्छा है ना। अब गुरुदेव यही बात तो कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम अरबपति बनने की कल्पना से मुक्त हो जाओ। तुम मन के अंदर हमेशा एक भावना भाव, जब भी मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, गुरुओं की सेवा करते हो, ये मत सोचो कि मेरे धन में समृद्धि कब बढ़ेगी, ये सोचो कि मैं इतना धन कब दान दे दूंगा कि पूरी संस्कृति समृद्ध हो जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं जब मैं ये भावना अपने मन के अंदर बार 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 मंदिर जी के अंदर जाकर के पैदा करूंगा, तो आप सोचेंगे कि जितने में आप अरबपति बनने की सोच रख रहे हैं उससे भी हजार गुना उस भावना के फलस्वरूप होकर के आपके हाथ में आ जाएगा, हजार गुना आ जाएगा। ये किसी भी दिव्य शक्तियों से अपने जीवन को विकास करने की सबसे पहली एक बहुत जरूरी व्यवस्था है कि हम कल्पनाओं के समुद्र में गोता लगाना छोड़ दें और भावनाओं के समुद्र में उतरने का प्रयास करें। कल्पनाओं में सोचते हैं कि हमारे घर में टीवी कब आएगी, फ्रिज कब आएगी, मकान कब दान होगा। भावना बना के रखिए कि मैं इतनी बड़ी एक ऐसी कॉलोनी काटूं कि जिसमें दुनिया भर के लोगों को मुफ्त में घर दे सकूं। ये भावना करने में क्या जाता है? अगर ग्रंथकार ने लिखा है कि ध्यानेन चेदुवे लब्बे, ध्यान के माध्यम से दोनों चीजें मिलती हैं बंधु। लेकिन हमारी ऐसी क्षुद्र मानसिकता है कि हम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कल्पना के साथ जीने में जो आनंद है, भावना के साथ जीने में आपको वो आनंद नहीं आता। आप किसी धनवान की गाड़ी देखते हैं, आप किसी धनवान का वैभव देखते हैं, हाथ में हीरे की अंगूठी देखते हैं, तो आप ये तो जरूर सोच लेते हैं कि पक्का दो नंबर का पैसा कमाया है तब जाकर के इतनी अनाप शनाप संपत्ति है। ये कल्पना भी आपको उस पुण्य से वंचित रखती है, जबकि मन के अंदर यह भाव होता कि देखो इसका कितना तीव्र पुण्य है, इसके पास कितनी संपत्ति है, और जितनी संपत्ति है ये निर्दोष भाव से दान भी देते हैं। भगवान मुझे भी ऐसा दान देने का, मेरा पुण्य का अवसर कब आएगा? ये भावना आपको खरबपति बना सकती है। अरबपति, अरबों का दान देने की भावना आपको खरबपति बना सकती है।
लेकिन अरबपति बनने की भावना आपको कुछ भी नहीं दिला सकती बंधुओं। उस माँ को ये बात इतने अच्छे से समझ में आ गई कि मुझे कल्पना नहीं करनी, सिर्फ भावना बानी है। और उसने जब भी जिन मंदिर गई, जिन मंदिर जाकर के, उसने ये नहीं कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, उसने ये कहा मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो सृष्टि में धर्म का आलोक फैला सके। पुत्र हो नहीं रहे थे उसको, बार बार मंदिर जाती, पूजन अभिषेक के पश्चात, दर्शन के पश्चात, स्तुति के पश्चात भावना भाती कोई मोक्षगामी मिल जाता मेरे गर्भ में तो मैं बहुत आनंदित होती उसको देख करके। बार बार ऐसी पवित्र भावना महिला ने भाई, और एक दिन उसकी भावना रंग लेकर के आ गई। रंग लेकर के ऐसी भावना आई कि उसको स्वप्न में 5 स्वप्न अलग अलग तरीके के दिखाई दिए। उन सपनों का फल जब उन्होंने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने उसकी भावना के अनुरूप ही फल का द्योतन किया। महाराज ने कह दिया कि तुमने जो फल देखे हैं, स्वप्न देखे हैं, उन स्वप्न का फल है कि तुमको एक तद्भव मोक्षगामी जीव तुम्हारे गर्भ में आया है और अति सुंदर होगा, पौरुषवान भी होगा, वैभव संपन्न भी होगा, दुनिया की हर शक्ति हर वैभव उसको धीरे धीरे पोषाद करने पर सहज मिल जाएगी, लेकिन वो मोक्ष मार्गी होगा, मोक्ष को जरूर गमन करेगा। ये भावना उस समय उस माँ ने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के मुख से सुन करके अपने मन के अंदर बड़ा गदगद भाव महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि अभी तो संतान आई नहीं है, अभी तो वो गर्भ में है, और धीरे धीरे ऐसा कुछ कमाल हुआ कि 9 महीने के गर्भावस्था के बाद जब पुत्र का प्रसव हुआ तो जैसा उगते हुए सूर्य का रंग होता है, कैसा रंग होता है उगते हुए सूर्य का, कभी आपने देखा हो तो, जिस लालिमा जो लालिमा सर्दी के दिनों में उगते हुए सूर्य की रहती है, अग्नि की आभा से मिश्रित, पुत्र पैदा हुआ तो उसका रंग ऐसा था। कल्पना करिएगा आप मात्र क्या रंग था उसका। ग्रंथकार कहते हैं उस रंग में उसके ओठ का रंग कैसा था, ऐसा बिल्कुल जैसे आपने कभी कोई पका हुआ कुंदरू देखा हो। कुंदरू की सब्जी खाई है कभी? ये बुंदेलखंड में मिलती है बहुत दूर तक। अगर मेरे उस कुंदरू शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको साहित्य में बिंब फल भी कहते हैं। वो कुंदरू जो है, वो कुंदरू जब पक जाता है तो पके हुए कुंदरू को जब आप चाकू से 20 से बराबर भाग में संभाग करते हैं तो उसके अंदर का जो लालपन होता है वो लालपन के रंग उसके ओंठों के थे। क्या भाषा होगी साहित्यकारों की कि कुंदरू, पके हुए कुंदरू के 20 से भेदन करने पर कुंदरू का जो रंग होता है वो उसके ओंठ का रंग था। शरीर का रंग दमकते हुए सूर्य के जैसा, उस सूर्य में भी, लालिमा के सूर्य के जैसा, उसमें भी ओंठ का रंग बिल्कुल लाल, और लाल रंग के बीच में उसकी जो दंत पंक्तियां थीं जैसे किसी के हाथ में हीरा चमकता हो। अपने तो काले पीले दांत दिख रहे होंगे बंधुओं, बदबू भी आ रही होगी, लेकिन उस जीव की जो दंत पंक्ति थी वो दंत पंक्ति हीरे के जैसी थी, जैसे हीरा चमकता हो ऐसे दांत चमकते थे। वह पुत्र जब पैदा हुआ बंधुओं, पैदा होने के 10वें दिन मां को एक स्वप्न आया। मां ने स्वप्न में देखा कि जामुन के बहुत बड़े बड़े फल हैं, और जामुन के वो बहुत बड़े बड़े फलों में भौरे बार बार उसकी गंध से भ्रमित होकर के उस भौरे उस जम्बू फल को, जाम के फल को, जामुन के फल को खाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 10वें दिन माँ को जो स्वप्न आता है उस स्वप्न के फल को देख करके पुत्र का नाम रखा जाता था। तो 10वें दिन माँ ने देखा कि जामुन का फल है और जामुन के फल को में भौरे गुंजारमान हो रहे हैं और उसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो उस जामुन के फल के उस फलादेश को देख करके
बच्चे का नाम जम्बू कुमार रख दिया, जिसको आप लोग जगत में जैन दर्शन के दर्शन मतलब पढ़ने वाले उनको जम्बू स्वामी के नाम से भी जानते हैं। ये जम्बू स्वामी इस वैभव को लेकर के गर्भावस्था से अवतरित हुए। बड़े हुए तो जब तक निमित्त नहीं मिलता तब तक पुरुषार्थ की शक्ति अपना काम नहीं करती। बंधु लब्धिपियोगौ भावेंद्रियम एक सूत्र है तत्वा सूत्रकार का। सत्वा सूत्रकार कहते हैं कि अंदर शक्ति के रूप में बहुत सारी लब्धियां पड़ी हुई हैं, अनंत शक्ति है आत्मा के अंदर। उस आत्मा की अनंत शक्ति के अंदर होने के बावजूद उपयोग की दशा हमारी जहां तक जाती है हम सिर्फ उतनी ही शक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं जितना हमें पता होता है या हमें बताया जाता है। उतनी शक्तियों का प्रयोग करने की कला हमको आती है। कोई हमारी अनंत शक्ति हमें बता दे तो फिर हम अपनी अनंत शक्तियों का प्रयोग करें। आत्मा की अनंत शक्तियों में से हमने सिर्फ खाने पीने की शक्तियों को, धन कमाने की शक्तियों को, ये छोटी छोटी क्षुद्र वैभव को ही हमेशा डेवलप करने का पुरुषार्थ किया। बाकी पुरुषार्थों से हम शून्य थे। पुत्र पैदा हो गया, बहुत अच्छी बात थी, नाम जम्बू कुमार रख दिया। पिता उसका चेहरा देखते देखते ही आंख हटाने का मन ही नहीं करता था। पहला बच्चा किसी का भी पैदा हुआ हो, आदमी का भी, समझदार व्यक्ति का भी चेहरा देखना जब करके उनसे बात करता है बच्चे से, लगता है ये इतना पढ़ा लिखा आदमी इस बच्चे के सामने बिल्कुल बच्चा बन गया। फिर तो वो जम्बू स्वामी थे। वे जम्बू स्वामी धीरे धीरे बाल्यावस्था से बड़े हुए तो सहज स्वाभाविक जो गुण संसारी व्यक्ति में पाए जाते हैं वे ही गुण उनके अंदर भी था। यौवन अवस्था में जब उन्होंने प्रवेश किया तो कहते हैं कि कामदेव भी जम्बू स्वामी से रूप भिक्षा मांगता था। मतलब कामदेव के ऊपर भी इतना अच्छा रूप नहीं था जितना सुंदर और युवावस्था उन जम्बू स्वामी की थी, कि कामदेव भी कहता था कि मुझे रूप की भिक्षा इससे चाहिए, ये मुझे पल्लवित कर दे तब मेरा कामदेव बना सार्थक होगा। इतने सुंदर जम्बू स्वामी, क्या क्या सुंदरता होगी, आप कभी कल्पना करिए कि उगते हुए सूर्य की रोशनी जैसा जिनके शरीर की चमचमाती देह हो, हीरे जैसे दांत हो, ओंठ बिल्कुल कुंदरू के फल पके हुए फल के जैसे हो, बिल्कुल जैसे चिकनी शरीर साफ का होता है ठीक ऐसे चिक्कण बिल्कुल बाल हो, बिल्कुल काले और घने, पैरों का नाखून इतना चमचमाता हो कि कोई उसमें अपना चेहरा भी देख लेता हो, ऐसे जम्बू स्वामी। ऐसे जम्बू स्वामी जब पैदा ही नहीं हुए थे उसके पहले पिता की, उनके पिता के साथ चार मित्र और थे, ऐसे पांच लोगों की दोस्ती थी। बोलिए पांच जब भी जाते ये पांच ही जाते साथ में रहते। तो पिता के चार मित्रों ने आपस में बैठ करके एक संकल्प कर लिया कि अगर तुम्हारा पुत्र हुआ तो और हमारी पुत्रियां हुई तो हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करेंगे। अभी संतान पैदा नहीं हुई लेकिन संतानों को वागदान दे दिया, वचन दे दिया कि हमारी कन्या का विवाह अगर हमारे यहाँ कन्या हुई है, तुम्हारा लड़का हुआ तो निश्चित तुम्हारे पुत्र के साथ ही हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। ऐसा चार मित्रों ने जम्बू स्वामी के पिताजी से ये कमिटमेंट कर दिया, वागदान दे दिया। और ऐसा सौभाग्य रहा कि चारों मित्रों को एक एक कन्या पैदा हुई। चारों की कन्याएं पैदा हुई तो चारों के माता पिता को ये बात पता थी कि मेरी ये कन्या है, इस कन्या का विवाह आगे चल करके जम्बू स्वामी से होगा। तो जम्बू स्वामी के बगल में मेरी पुत्री खड़ी हो सके इसके लिए पिता ने माता ने मिलकर के उस कन्या रत्न को इतना सुसंस्कारित किया, हर चीज की विद्या दी। अर्थशास्त्र कैसा होता है, धर्मशास्त्र क्या होता है, काम की कलाएं कैसी होती हैं, जीविकोपार्जन करने के लिए और क्या आवश्यक होती है, विवेक को बढ़ाने के लिए व्याकरण छंद अलंकार साहित्य ये भी सिखाया, साम्राज्य चलाना पड़ेगा इसलिए शस्त्र विद्या सिखाई,
उसके बाद अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रवेश कराया कि कभी वियोग हो गया तो अकेले में कैसे रह पाएंगे। ऐसे नाना प्रकार के गुणों से 64 कलाएं जो एक स्त्री में स्त्रियोचित समृद्धि का सूचक मानी जाती हैं, उनके माता पिता ने अपनी अपनी कन्या को जम्बू स्वामी के योग पूरा मेहनत करके तैयार करके खड़ा कर दिया। चर्चा चलती रही और जम्बू स्वामी अपना धीरे 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 वैभव जो है बढ़ाते रहे। और जैसे 20 वर्ष की उम्र में जिस तरीके का आकर्षण किसी भी जीवन में पैदा हो जाता है, वैसा ही आकर्षण जम्बू स्वामी के जीवन में भी पैदा हुआ। जम्बू स्वामी भी जब अन्य कोई और कन्याओं के साथ कोई क्रीड़ा कर रहे थे तो उसमें नाना विलास को देख करके जम्बू स्वामी के मन के अंदर यौवन सुख की इच्छा भी पैदा हुई। यौवन सुख की इच्छा पैदा होना और यौवन सुख को पाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। इच्छा पैदा होना एक सामान्य बात है, लेकिन उसको पा लेना ये सौभाग्य की बात है। किसी अर्थकार ने कहा है, आर्या भार्या चा पुण्येन बिना न लभ्यते। संस्कृत में आर्या छंद है जिसका उच्चारण बिना पुण्य के आदमी नहीं कर पाता, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाता है। और भार्या मतलब एक सुंदर सुशील और अच्छी पत्नी, ये दोनों आर्या छंद और अच्छी पत्नी पुण्येन बिना न लभ्यते, पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होती। और जम्बू स्वामी का पुण्य तो इतना तेज था कि उनके लिए उनके दूसरे मित्र के माता पिता ने अपनी कन्या को उनके योग खड़ी हो सके इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किया था। वे कन्या भी जब अपने यौवन में आई, उस यौवन के उस समय में वो कन्याएं पूरे नगर में क्षोभ का विषय बनी। जो देखता उसको लगता कि पूरी संपत्ति ले लो, लेकिन इन कन्या का विवाह हमारे पुत्र के साथ कर दो। हर आदमी के अंदर इच्छा थी कि शादी हो तो बस उसकी कन्या के साथ हो। लेकिन वे वागदत्ता थी, पूर्व से ही जम्बू स्वामी को दी जा चुकी थी। अब उन कन्याओं को ये बात भी धीरे से पता चली कि जम्बू स्वामी के साथ हमारा विवाह होना है। और जम्बू स्वामी अभी रण क्षेत्र में युद्ध का कौशल दिखाते हुए अपनी विजय को करते हुए वापस लौट रहे हैं। इसके बाद निश्चित ही उन चार कन्याओं का विवाह इनके पुत्र के साथ होना है। जैसा आजकल होता है, जैसे आप सगाई कर देते हैं, सगाई के बाद कन्या के मन के अंदर जिस तरीके की तरंगे उछाल मारती हैं बार 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 बार, क्योंकि कन्या का एक स्वभाव है, वो जिस घर में पैदा होती है उस घर को कभी भी अपना नहीं समझती। ये एक ऐसी मानसिकता लेकर के पैदा होती, कन्या को शुरुआत से पता होता कि मैं इस घर में पल तो रही हूँ लेकिन ये घर मेरा नहीं है, मुझे अपने पति के घर में जाना है, वहीं रहना है। ऐसी मानसिकता प्रत्येक कन्या की रहती है। उन कन्याओं के मन के अंदर भी ये भाव पैदा हो रहा था कि अब मैं जम्बू स्वामी के साथ मेरा विवाह हो जाएगा और मैं उनके साथ अपने यौवन का आनंद लूंगी, अपनी विद्याओं का आनंद लूंगी, कला कौशल दिखाऊंगी, रण क्षेत्र में जाऊंगी। नाना प्रकार की कल्पनाओं में वे चारों कन्याएं लगी हैं, अपना अपना सोच रही हैं। और जम्बू स्वामी यात्रा वापस करके लौट रहे हैं तो लौटते वक्त उनको अशोक वृक्ष के नीचे मुनि महाराज के दर्शन हो जाते हैं। महाराज के दर्शन हुए दूर से ही और जम्बू स्वामी खिंच करके महाराज के सामने खड़े हो गए। और भी बहुत सारे लोग उन दिगंबर साधु के दर्शन कर रहे थे। मुनि महाराज के दर्शन नमोस्तु नमस्कार करने के बाद जम्बू स्वामी स्वयं मुनि महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज आपको देख करके मुझे इतना प्रेम क्यों पैदा हो रहा है। कुछ ऋणानुबंध होते हैं बंधु, वे ऋणानुबंध ऐसे होते हैं कि पूर्व भव के होते हैं, कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है, हम समझ नहीं पाते। ऋणानुबंध अपना काम करता है। कैसे काम करता है महाराज? जैसे आप देखिए कि कभी किसी ऐसे अपरिचित व्यक्ति को जिसको आपने कभी नहीं देखा, आप उसको अचानक देखते हैं और देखते ही साथ आपके मन के अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है, कितना एटीट्यूड दिखा रहा है,
कैसा बोल रहा है, कैसा चल रहा है, समझता क्या है वो अपने आप को। हमारे मन के अंदर किसी व्यक्ति को देख करके सहज ईर्ष्या पैदा हो गई, जबकि हमारा उससे कोई संवाद ही नहीं है, ना हमको उससे कोई बात करनी है। उसके बाद भी पूर्व का ऋणानुबंध उस व्यक्ति को देखने मात्र से कसाय पैदा कराता है। किसी व्यक्ति को देख करके अंदर से प्रेम भाव पैदा होता है, उसे बात करना है, एक बार उनसे बात करा दो हमारी, एक बार चलो तो कोई इंट्रोडक्शन करा दो, एक बार वो हमसे बात कर लें। जब तक वो बात ना करें तब तक मन के अंदर ऐसी असंतुष्टि बनी रहती है, अरे उससे बात करनी है भाई, वो बात क्यों नहीं कर रहा है हमसे। तो ये जो अंदर मन के अंदर एक भाव बार 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 पैदा होता है और हम बाहर एक संकोच करते हैं, अरे बात करेंगे, अब डरते भी हैं, बात भी करना चाहते हैं, ये ऐसा एक अनुबंध रहता है कि हम संकोच बहुत करते हैं और अंदर से मन उछाल मार के बोलता है रहना तो उसी के साथ है, लेकिन वो बात करेगा कि नहीं करेगा। पुरुष पुरुष में भी ऐसा संबंध हो जाता है, कई बार स्त्री स्त्री में भी ऐसे भाव हो जाते हैं कि उस स्त्री से बात करनी है, स्त्री के मन के अंदर भाव पैदा होता है। कई बार पुरुष का भी पुरुष के मन के अंदर भाव पैदा होता है कि इससे बात तो हो जाए, एक बार बात करना है, लेकिन संकोच के मामले में हम बात नहीं कर पाते। उस समय आपको एक चीज सोचनी है कि इसका मेला कोई ऋणानुबंध है, तभी तो बार बार मेरे मन की शक्ति, मेरे मन के परिणाम उस व्यक्ति के लिए खिंच रहे हैं। एक बार जा करके उससे बात कर लेना बहुत अच्छा है। अब हो सकता है वो सामने वाले व्यक्ति का परिणाम आपको लेकर के नहीं खिंच रहा हो, लेकिन आपका भी अगर खिंच रहा है, आप जाकर के बात कर लो। बहुत देर से आपसे बात करने का सोच रहे थे, संकोच छोड़ करके हमने आपसे बात करके बात करने आ गए, ये क्या है? ऋणानुबंध, पूर्व भाव का है बंधुओं। वो राग और द्वेष की परंपरा, प्रेम खत्म नहीं हुआ लेकिन आयु समाप्त हो गई। आयु समाप्त होने पर कॉस्ट्यूम चेंज हो गया और हमारा वो ऋणानुबंध बना रहा। आज वो कोई रूप बदल करके फिर सामने खड़ा हुआ है अचानक, और उसको देख करके या तो राग होता है या द्वेष होता है, ईर्ष्या भाव भी पैदा होता है और प्रेम भाव भी पैदा होता है। तो जब आपको लगे कि किसी अनजान व्यक्ति के प्रति मेरा प्रेम भाव बहुत बढ़ रहा है, तो फिर आपको बात कर लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे आपका निश्चित ही कोई ना कोई उपकार या भला ही होने वाला है। प्रेम की धारा जब भी खींचे, तब आप समझिएगा कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मिलने के बाद हमारे जीवन का रंग और अच्छा होने वाला है। संकोच छोड़ करके आप बात कर सकते हैं। जम्बू स्वामी ने पहली बार में ही उन मुनि महाराज से पूछ लिया कि आपको देख करके मेरे मन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम क्यों मर रहा है, क्योंकि मेरा आपका मैंने आपका पहली बार दर्शन किया है और पहली बार में ऐसा लग रहा है कि मैं आपका ही हूं और मुझे आपके साथ ही रहना है। वे अवधि ज्ञानी मुनि महाराज भी जम्बू स्वामी को धीरे से बता देते हैं कि पूर्व भव में तुम मेरे छोटे भाई थे, छोटे भाई थे, वो पूर्व भव का कोई ऋणानुबंध है, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर प्रेम आ रहा है। जैसे ही जम्बू स्वामी ने सुना कि कोई मुनि महाराज पूर्व भव में मेरे बड़े भाई थे, तो उन्हीं अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से वो अपना भविष्य जानना चाहता है। जब आपने हमारा बैग बता दिया है तो फिर आप हमारा भविष्य और बता दीजिए। और जैसे ही उन मुनि महाराज ने जम्बू स्वामी को उनके भविष्य से अवगत कराने की प्रयास की और सोई हुई चेतना जागृत हो गई, वे जम्बू स्वामी जो अभी तक मुनि महाराज का निमित्त नहीं मिल रहा था, तो अपने उपादान को यत्र तत्र अव्यवस्थित रूप से भटका रहे थे। कभी किसी कन्या के राग में रंग रहे थे, कभी दिग्विजय की यात्रा कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। एक बार जीवन में एक साधु की संगति मिली और पूरी की पूरी शक्ति का प्रवाह सिर्फ एक तरफ बढ़ा, जिसका नाम है वैराग्य। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था किसी भी क्षेत्र में विकास करना हो, आदर्श की, आलंबन की और आचरण की, इन तीन की महती भूमिका रहती है जीवन में, भावनाओं के विकास में भी और कल्पनाओं के विकास में भी। तो ये भावनाओं का विकास था, जब एक आदर्श के रूप में सामने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज बैठ गए। अब जम्बू स्वामी
आलंबन को स्वीकार करना चाह रहे हैं, आश्रम में प्रवृत्ति चाहते हैं, आलंबन में उन्होंने वैराग्य का सहारा लिया और जो विजय यात्रा करके वापस लौट रहे थे, वापस लौटते लौटते वैराग्य ने मन के अंदर ऐसा रंग रंगा कि जाकर के माँ से सीधा सीधा कह दिया, मुझे मुनि दीक्षा लेनी है, अपना कल्याण करना है। आप सोच लीजिए, मुझे जाना है यहाँ से। माँ ने जैसे ही सुना बरसों बाद ये बात, तो बहुत बरसों पहले जब पुत्र उत्पन्न भी नहीं हुआ था, उस समय उस ज्योतिषी की वो बात याद आ गई कि ज्योतिषी ने कहा था कि ये मोक्ष गमन करेंगे और मोक्ष का पुरुषार्थ करके यहाँ से निकल जाएंगे, आपके हाथ में नहीं रहेंगे, लेकिन जितने दिन आपके हाथ में रहेंगे आपको सुख बहुत देंगे। वही हुआ, बाल्यकाल किशोरावस्था, जम्बू स्वामी ने अपने माता पिता को बहुत सुख दिया। किशोरावस्था पार करने के बाद जब यौवन संपन्न हुए और जब वैराग्य का फूल मन के अंदर खिला, फिर वो यौवन का सुख जो सिर्फ जाना था लेकिन पाया नहीं था, उसकी इच्छा नष्ट हो गई। संसार में कितने सारे ऐसे लोग हैं बंधुओं, आप देखिए कि जिन्होंने यौवन सुख को समझा तो है लेकिन बिना स्पर्श किए संसार छोड़ दिया। और उसमें आप देखिए कि गुरुवर ने तो ऐसा पवित्रतम आशीर्वाद इस पंचम काल में दिया कि उनके संग में प्रायः जितने भी साधुगण हैं पूर्णतः बाल ब्रह्मचारी हैं, पूर्णतः बाल ब्रह्मचारी कि समझते सब हैं लेकिन बिना स्पर्श किए हुए उन्होंने पूरी की पूरी सृष्टि का त्याग कर दिया। इस तरीके की भावना पैदा करना, उस भावनाओं को इम्प्लीमेंट करा देना और उस भावनाओं के साथ किसी भी साधु को सुरक्षित रख लेना, ये कलाकार की बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ी साधना। विवाह होने के पश्चात मुनि बनना बहुत सरल है बंधुओं, क्यों? क्योंकि विवाह होने के बाद वैराग अंग अंग से बोलता है, लेकिन विवाह से पूर्व वैराग सिर्फ अनंग से बोलता है। गुरुदेव कहते हैं सिर्फ मन से बोलता है, वहां से बोलता है कि हाँ निकलो यहां से। और गुरुदेव का यह कमाल था कि पूरा का पूरा मुनि संघ, आर्यिका संघ, पूर्णतः बाल ब्रह्मचारी शुद्ध, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरवशाली इतिहास है जो आगे आने वाले हजारों साल तक बना रहेगा। जम्बू स्वामी के मन के अंदर भाव पैदा हुआ कि मुझे वैराग्य ग्रहण करना है। जम्बू स्वामी दीक्षा लेने तो जा ही रहे थे कि माँ ने कह दिया, पिता ने भी कह दिया, एक रात। एक रात क्या? एक रात वे चार वाग्दत्ताएं जिनको तुम्हारे लिए बचपन में मैंने स्वीकार कर लिया था, उससे तुम्हें माँ कहती है विवाह तो करना ही पड़ेगा। जम्बू स्वामी कहते हैं बचपन की बात थी, वो कन्याएं जवान हो गई हैं, उनसे कहो मेरा पीछा छोड़ें, किसी और अच्छे व्यक्ति को देख करके विवाह कर लें, मुझे तो सिर्फ मुनि बनना है। वे सुशील कन्याएं भी क्या पवित्रतम हृदय को धारण करने वाली थी। वे कन्याएं कहती हैं माता पिता ने बचपन में जिसको हमारे दान की घोषणा कर दी थी, हम तो उन्हीं के साथ विवाह करेंगे और वो जैसा करते हैं हम वैसा ही करेंगे, अन्य किसी भी पुरुष के प्रति हमारा कोई भाव ही नहीं है। जबकि उस कन्याओं ने जम्बू स्वामी को भी देखा भी नहीं है, जानते भी नहीं है कि जम्बू स्वामी कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं। उन चारों के चारों कन्याओं के पिता ने कहा कि पुत्री अगर तुम चाहो तो किसी और से विवाह कर सकती हो। चारों की चारों पुत्रियों ने कह दिया जिस संस्कार से मुझे बड़ा किया गया है, जिस साधनों से मुझे पाला और संवर्धित किया गया है, वे संस्कार सिर्फ एक बात कहते हैं कि माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का कर्तव्य करना एक सुशील कन्या का कर्तव्य है। आपने जिसको दान दे दिया है, जिसके लिए मुझे कन्यादान की घोषणा कर दी है, वो ही हमारे पति हैं, इसके अलावा कोई भी हमारा पति नहीं है। ऐसी घोषणा और ऐसी संवाद आप उनके माता पिता के कान तक पहुंचा दीजिए। जम्बू स्वामी के माता पिता के कान तक ये बात पहुंची और जैसे ही उनके कान में बात पहुंची कि वे तो जम्बू स्वामी को ही विवाह करेंगी, तो माँ ने जम्बू स्वामी से कहा कि तुम दीक्षा लेने तो जा रहे हो
लेकिन दीक्षा लेने से एक दिन और मात्र रुक जाओ, पहले उनसे विवाह करो, उनके साथ एक रात रहो, फिर चले जाना। जम्बू स्वामी माथा ठोकते, बोलते मां क्या हो रहा है, क्या करूंगा मैं उनसे विवाह करके, उनके जीवन को क्यों मैं अंधकार में डालूं। उनसे बोलो यौवन संपन्न है, विज्ञान संपन्न है, धन संपन्न है, किसी भी पुरुष का परिणय करके चली जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मां कहती है चारों की चारों कन्याओं ने संकल्प ले लिया है, विवाह तो तुम्हारे साथ ही करेंगे। जम्बू स्वामी कहता है मैं मात्र आपके लिए एक रात्रि मात्र रुक सकता हूं, सुबह तो मुझे दीक्षा लेनी ही है। इतने में जब ये संवाद उन कन्याओं तक पहुंचाया, कन्या एक रात के लिए उसको अपना पति स्वीकार करके विवाह करने के लिए तैयार हो गई। उनमें से चारों कन्याओं को इस बात का विश्वास था कि हम चार मिल करके जम्बू कुमार को दीक्षा लेने से रोक लेंगे, चारों का विश्वास था। चारों इतनी रूपवती थी कि उन्होंने पहले ही सोच लिया इनको हम अपने रूप के कौशल से अपने साथ रोक लेंगे। दूसरी कहती है अगर रूप दिखाने से, रूप के कौशल से वे नहीं रुके तब आप क्या करेंगे, तो बोले फिर उसके बाद हम शब्द कौशल का सहारा लेंगे। अगर तीसरी कहती है अगर शब्द कौशल से भी ना रुके तब क्या करेंगे, तो पहली कहती है अगर वो रूप के कौशल से ना रुका, शब्द के कौशल से ना रुका, तो फिर हम भाव के कौशल का सहारा लेंगे, उनको रोक लेंगे, तुम विश्वास रखना। कन्याओं को, स्त्रियों को विश्वास है कि हम उनको रोक लेंगे। विवाह हो गया और बंद कमरे में चार कन्याएं रूपवती, सुशील, प्रज्ञा, प्रखर, अच्छी, श्रद्धावान, विवेकवान, उन कन्याओं के बीच में जम्बू स्वामी बैठे हैं। आप कल्पना का एक दृश्य अपने मन के अंदर बनाइएगा, किसी राजमहल में बंद बहुत बड़े कमरे में बीच में एक स्वर्ण के आसन में जम्बू कुमार बैठे हैं, चार तरफ चार कन्याएं बैठी हैं, अपने रूप यौवन से संपन्न वो रूप को दिखा करके जम्बू स्वामी को रोकना चाह रही हैं। जम्बू स्वामी पत्थर के जैसे चुपचाप बैठे हैं। कुछ बहुत देर तक प्रयास करने के पश्चात जब लगा चारों की चारों कन्याओं को कि रूप का जम्बू स्वामी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो शब्द कौशल के माध्यम से अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र कहानियां सुना करके उन कन्याओं ने जम्बू स्वामी को रोकने का प्रयास किया। वे रुकने वाले तो नहीं थे। और वही एक समय था बंधुओं कि उस संवाद को दूर कोने में एक चोर सुन रहा था जिसका नाम विद्युतचर था। वो भी थे तो राजपुत्र, राजा के पुत्र थे और उनके अंदर भी शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन बस उपयोग का खेल है, लब्ध उपयोग भावेंद्रियम, कि अंदर लब्धि के रूप में तो बहुत कुछ पड़ा है इस व्यक्ति संसारी के अंदर, लेकिन उपयोग में जो आ रहा है बस वही प्रस्फुटित होता है। अनंत शक्ति संपन्न होने के बाद भी वो चोर चोरी के उद्देश्य से दूसरे के घर में घुसा है, सुन रहा है। क्या सुन रहा है कि चार कन्याएं हैं, एक पुरुष है, उसमें वो चार कन्याएं एक पुरुष को संसार छोड़ने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए मना रही हैं कि तुम हमारे साथ रहो, सब भोगो, अच्छा रहेगा, सब सुख मिलेगा। वो चोरी करने घुसा है। वो चोर बार बार सोचता है कि मैं जिसको पाने के लिए इसके घर में आया हूं, ये उसको ठोकर मारने के लिए तैयार है। क्या दिमाग चल रहा है इस जम्बू कुमार का, मैं जिसको पाने के लिए, मैं जिसको बटोरने के लिए इसके घर के अंदर घुसा, ये उसको लात मार रहा है। तो वो चोर सोचता है लात क्यों मार रहा है, क्या हो गया, विक्षिप्त है क्या, पागल हो गया है, धन में लात क्यों मार रहा है, चार यौवन संपन्न कन्याएं हैं, इनमें लात मार के क्यों जा रहा है, मैं होता तो सब धर लेता। और वो छुपा छुपा देख ही रहा था कि भी जम्बू स्वामी की मां सामने से आ जाती, कहती है अंधकार में थोड़ा सा प्रकाश दिखाते हुए, कौन हो तुम और यहां कैसे। जम्बू स्वामी के सामने खड़ा हुआ विद्युत चोर कहता है मां
मैं एक चोर हूँ, चोरी के उद्देश्य से ही आया हूँ, चोरी के उद्देश्य से आया था। अब क्या, जिसका संपत्ति है वो ही जब इसको नहीं भोगना चाह रहा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो साधु क्यों बनना चाहता है, उसके मन के अंदर ऐसा क्या भाव पैदा हुआ है कि वो साधु बनना चाहता है। माँ को लगा कि ये विद्युत चोर मेरे पुत्र को समझा देगा। माँ विद्युत चोर से कहती है, तुमको चोरी करने की जरूरत नहीं है, हम तुमको पूरी संपत्ति स्वयमेव दे देंगे, सिर्फ तुम मेरे पुत्र को वैराग्य से बचा लो। जब अपने घर में कोई पुत्र वैरागी होता है बंधुओं, उस माँ के स्नेह की ऐसी ही स्थिति होती है कि कोई मुनि महाराज आ गए, नव यौवन संपन्न जवान है, अभी दीक्षा ली है, उधर चंदन तंदुल पुष्प कई करके चढ़ाने में कुछ नहीं जाता। उन्हीं महाराज ने थोड़ा हमारे पुत्र को मोटिवेट कर लिया, तो बगल वाली महिला धीरे से स्त्री को समझा देती, भैया अपने अर्जुन को समझाओ, वो आजकल ज़्यादा महाराज जी के पीछे पड़ा है, कहीं निकल नहीं जाए। तो वो महिला अपने पुत्र को उठा करके बाहर भेज देती, बेटा अभी महाराज जी छोड़ो, तुम बाहर चले जाओ। क्यों? वे महाराज बहुत अच्छे हैं, प्रवचन उपदेश भी बहुत अच्छा देते हैं, चर्या भी बहुत पवित्र है, लेकिन अगर तुम उनके साथ चले गए तो मेरा क्या होगा। ये ऐसा भाव मोह के कारण रहता है। और कहा भी है ग्रंथकारों ने, मोह न छिज्जति अप्पा दारुण कम्मम करेदि बहुबारम, नहु बहु सहदि बहु दुखम, किम सहदि बहु दुखम, किम बहु दुखम वहेदि मूढ़मति। कि ये आत्मा क्या करता है, दारुण कम्मम करेदि बहुबारम, दारुण कर्मों को करता है, ऐसे कर्म जिसकी उम्मीद नहीं रहती, ऐसे पागलपन के काम प्रेम के कारण करता है, लेकिन मोह न छिज्जति, मोह का छेदन नहीं करता। फिर किम बहु दुखम बहेदी, और बहुत सारे दुख को सहता है। वो लड़का दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गाली गलौज करता है, मद्यपान करता है, जुआ खेलता है, लात मारता है, गाली गलौज करता है, माता पिता को मारता है, लेकिन मोही व्यक्ति पकड़ के रखता है, भैया हमारा बेटा है, हम नहीं छोड़ सकते, इतना व्यसनी है, छोड़ दो, हमारा लड़का है, तुम्हें तो कह दई, तुमको तो कहने में आ रहा है। फिर वो साधु हैं, उनको अपना पुत्र मान लो, वे तो भैया दिव्य पुरुष हैं, अच्छा अपने लड़के को उसके साथ जोड़ दो, उसमें भी आपत्ति है कि जो व्यसनी है तो हमारे साथ है, अगर ये साधु बन गया तो साधु के साथ चला जाएगा। ये चक्कर में भी कई बार बच्चों को साधु की संगति में नहीं जोड़ते बच्चे माता पिता, और दुष्कर्म को सहते रहते, आदत में बना है। जम्बू स्वामी की माँ कहती है, तुम इसको समझा के रोक बस लो, सारी संपत्ति तुम वैसे ही उठा के ले जाना, चोरी करने की कोई जरूरत नहीं। तो वो चोर कहता है कि उसके सामने मुझे लेकर के तो जाओ। तो माँ सबसे पहले अपने पति के कपड़े उस चोर को पहनाती है, बड़े बड़े कुंडल पहनाती है, उसके बाल खोलती है, लंबा करती है, अच्छे हीरे की अंगूठियां पहनाती है, और खुद उस चोर को अपने पुत्र के सामने ले जाकर के खड़ा करती है, कहती है, बेटा जब तुम पैदा नहीं हुए थे उस पहले ये तुम्हारे मामा हैं, ये दूर विदेश यात्रा में चले गए थे, आज जब तुम्हारे वैराग्य का दिवस आया है तब ये आए हैं, तो मामा से संवाद कर लो। चोर को मामा बना करके स्त्री ने सामने खड़ा कर दिया। मामा भांजे का संवाद खूब देर तक चला, खूब देर तक मामा ने भांजे को, भांजे ने मामा को समझाया, आखिरकार मामा हार गया, भांजे के वैराग्य को कोई नहीं डिगा पाया। और कई बार तो जब भी मैं इस जम्बू स्वामी चरित्र को पढ़ता हूँ, मुझे ये बात लगती है कि जम्बू स्वामी चाहते तो उसी वक्त भी दीक्षा ले सकते थे, उस वक्त भी जा सकते थे, लेकिन आदर्श आलंबन और आचरण का बहुत बड़ा प्रभाव है इस दुनिया में। जम्बू स्वामी ने मन के अंदर सोचा होगा कि जिन्होंने मुझको इतना आलंबन दे करके पाला है, उनको मैं अपने वैराग्य का आलंबन देकर के इस संसार से निकाल देता हूं। संवाद की ऐसी उत्कृष्ट शैली ग्रंथकार ने उस ग्रंथ में लिखी है बंधुओं। जब भी आप जम्बू स्वामी चरित्र पढ़ने का सौभाग्य अपने जीवन में लाएंगे, आपको एक एक शब्द में ऐसा माधुर्य दिखाई देगा, आप कल्पना के सागर में कितना गहरा गोता खाएंगे मैं कह नहीं सकता। लेकिन पवित्रतम ग्रंथ है जम्बू स्वामी चरित्र,
पढ़ना चाहिए एक बार। वे जंबुस्वामी को विद्युतचर चोर ने समझा बुझा करके प्रयास किया, विद्युतचर चोर हार गया। उसकी प्रज्ञा समझाने की खत्म होकर के समझने पे उतारू हो गई। वो विद्युतचर चोर भी समझ गया कि ये जो कह रहे हैं ये सही है। अब विद्युतचर चोर क्या कहता है, ये तो सुबह जाकर के दीक्षा लेंगे, मैं अभी चला जाता हूं। उस चोर के मन के अंदर ऐसा वैराग्य भर गया। देशना क्या कमाल करती है आप देखिए। वो चोर कहता है मुझे अब सुबह होने तक का इंतजार नहीं है, बस मुझे गुरु दिख जाए और मैं अभी दीक्षा ले लेता हूं। जब तक पर्याय में आदमी उलझा है तब तक परेशानियां हैं। जिस दिन आदमी को अपनी सत्ता का, अपने द्रव्य का भान हो जाता है, जिस दिन आत्मा में नजर चली जाती है बंधु, पर्याय सब गौण हो जाती हैं, बाल वासना का प्रतीक होते हैं। तो जब कोई पुरुष या महिला जूड़ा बांध लेती है तो ये बताती है कि मैंने अपनी पूरी वासना बांध ली है। जब उसके खुले बाल दिखाई देते हैं तब ये समझ में आता है कि मेरी वासना फैली हुई है। तो सामने वाले शावक ने पूछा कि वासना कितने प्रकार की है, कितनी है? बोले जितने सिर के ऊपर बाल है उतनी प्रकार की वासनाएं हैं। और जूड़ा बांधना या केशलुंज करना ये बताता है कि हमने अपने जीवन से वासना उतार करके फेंक दी है। तो जब तक हम इस वासना को उतार के फेंकेंगे नहीं तब तक ये मार्ग चलेगा कैसे? क्या सुंदर व्यवस्था है बंधुओं। आप अपने सांसारिक क्षेत्रों में भी इस बात को देखिएगा कि जब किसी महिला को थोड़ा और आकर्षण दिखने का भाव होता है तो अपने बालों को खोल लेती हैं, और जब घर का काम करना पड़ता है तब पता नहीं बिना देखे आंख बंद करके जूड़ा बांधा, टाइट किया, बोले क्या अभी वासना कसी हुई है, अभी सिर्फ ध्येय दिखाई दे रहा है, घर साफ करना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। जैसे उद्देश्य में निहित होते हैं वासना का जूड़ा बांध लिया जाता है, और जब उद्देश्य रहित होते हैं तो फिर वासना का विस्तार कर लिया जाता है। आदिनाथ स्वामी के सिर के ऊपर भी आपने कभी एक बना हुआ जटाजूट देखा होगा, जूड़ा देखा होगा, वो भी इस बात का संकेत है। आदिनाथ स्वामी की वह प्रतिमा भी बताती है कि वासना बंधी हुई है, इसका मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं। जम्बू स्वामी ने अपनी वासना बांधी, उसके बाद विद्युत चर्चों से अपनी वासना बंधवाई। चार स्त्रियां, वे माता पिता, ये सब एक साथ जाकर के और सुधर्म आचार्य महाराज के चरणों में जाकर के भगवान महावीर को अपना आराधक और स्वामी मान करके दीक्षित हो गए। क्या कौशल है, वैराग्य भी क्या कुशलता पूर्वक लाया। और सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि जो भगवान महावीर स्वामी के काल में घटना घटी थी, वही घटना, ठीक वैसी ही घटना इस पंचम काल में घटी। सर्वप्रथम गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज अपने घर से निकल करके दीक्षित हुए। फिर उनको लगा कि इस वैराग्य से मुझे बस भावित नहीं होना है, इसमें अभी और कुछ करना बाकी है। तो उन्होंने धीरे से समय सागर जी महाराज को ऊपर उठाया, उनको दीक्षित किया। मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, अगर इतना कठिन मोक्ष मार्ग होता और दुरु होता तो एक भाई अपने भाई को मोक्ष मार्ग में क्यों लाता। जब मुनि श्री समय सागर जी महाराज 14 वर्ष की उम्र में जब गुरुदेव ने उनको ब्रह्मचर्य व्रत दिया था बंधुओं, उनकी मूछ में बाल तक नहीं आया था। वासना क्या होती है ये उनको पता तक नहीं था, एक समर्पण का भाव था। ये महाराज हैं, बड़े भाई हैं, जो कहते हैं वो करना है। और उस उम्र में, उस छोटी सी उम्र में जब ब्रह्मचर्य व्रत की परिभाषा तक नहीं पता थी, तब गुरुदेव ने उनको चुपचाप, जैसे चुप निकाल करके बिना किसी दाग लगे किसी व्यक्ति को ऊपर उठा लिया, ऐसे उन महापुरुष ने इस पंचम काल में भी सबसे पहले समय सागर जी महाराज को उठाया। नहीं रहा गया, अंतर्मन करता था बार बार, योग सागर जी महाराज को उठा लिया, आप भी इधर आ जाओ, व्रत ले लो, वहां लेकर के क्या करोगे, खेती बाड़ी में कुछ डाला पड़ा नहीं है। उस एक बैरागी के बैराग से दीक्षित होने के कारण ये दो और बैरागी निकले। इसके बाद श्रेणियां रुकती कहां है, माता पिता की भी दीक्षा हुई, दोनों बहनों की दीक्षा हुई, पूरे के पूरे परिवार को दीक्षित करके सिर्फ एक मात्र एक भाई को छोड़ दिया। पूज मुनि श्री योग सागर जी महाराज से पूछा, महाराज सबकी दीक्षा हो गई, एक क्यों छोड़ दिया, वो महावीर क्यों रुक गया? तो योग सागर जी महाराज ने
बड़े अच्छे चार लाइनों में इसका जवाब दिया, और जवाब इतना सटीक और शानदार है कि आपको सुन के आनंद आएगा। मनमोहक उद्यान में, योग सागर जी महाराज के शब्द हैं, मनमोहन उद्यान में फल लगे जहां चार, चार पुत्र पैदा हुए। मनमोहक उद्यान में फल लगे जहां चार, तीन फल प्रभु चरण में एक बीज भूत सार। एक भाई को घर में से बिजली छोड़ दिया कि उससे उस गृहस्थ जीवन का प्रवाह आगे बढ़े और फिर जो और संतानें पैदा हो वो फिर मोक्ष मार्ग में आने लगे। क्या सोच करके महावीर भाई ने उस जवाबदारी को घर के अंदर रह करके स्वीकार किया होगा। आज उनका मन भी बार बार, उन्होंने कम से कम 20 बार गुरुदेव से कहा है मुनि दीक्षा मुझे दे दीजिए। आचार्य सी जी बोलते हैं अब आप वृद्ध हो गए हैं, दक्षिण में जाकर के किसी से दीक्षा ले लीजिए। वो कहते हैं कि आप दे दीजिए, वो कहते हैं वहां ले लीजिए। इस बीच में भी महावीर भैया कब दीक्षित हो जाए बंधु इसका कोई भरोसा नहीं है, बहुत जल्दी आपको उनकी भी दीक्षा होने की खबर सुनाई देगी, ऐसा मैं जरूर मानता हूं। वे जम्बू स्वामी एक साथ दीक्षित हुए, पत्नी निकल गई, माता पिता निकल गए, विद्युत चोर निकल गया, और वे जम्बू स्वामी महाराज उन्होंने अपना अंतिम प्रसाद करके जहाँ केवलित्व को प्राप्त किया, वो चोर चोर न रह करके उसके अंदर भी बज बसम नाराज सहनन था, वो भी ऐसा वैसा नहीं था। केवली जम्बू स्वामी के केवली पन्ने के पश्चात वे विद्युत चोर नाम के जो मुनि थे, विद्युत चर मुनि नाम था उनका, उग्र तपस्या करी, स्थान पे जाकर के वे साधना कर रहे थे कि किसी देवी ने प्रचंड उपसर्ग करके उनको मोटे मोटे डांस बना बन करके और पूरा खून चूस लिया। जितना जितना रक्त का प्रवाह बाहर निकल रहा था, मुनि महाराज ने मेरा कर्म के बंधन टूट रहे हैं, परमाणु टूट रहे हैं, पर्वत टूट रहा है, ऐसी पवित्रम धारणा बना करके अपने वज्रसम नाराज सहनन में स्थिर रख करके अपने आप को सर्वार सिद्धि के विमान में जाकर के स्थापित कर दिया। वे विद्युत चर मुनि जो कभी चोर थे, कभी चोरी करने गए थे, कभी बैराग से भावित हुए, आज साधना के उत्कृष्टतम परिणाम में सर्वार सिद्धि जो पंच अनुत्तर कहलाते हैं बंधुओं, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार सिद्धि, इसमें अंतिम विमान में बैठ जाना भी क्या साधना का परिणाम है आप क्या मानते हैं? 33 सागर की आयु है, एक हाथ का शरीर है, 33 सागर आयु पर्यंत मात्र धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए निकल जाना है। सिद्ध शिला में और सर्वार सिद्धि में मात्र एक बाल मात्र का अंतर है, और वहां से नीचे अवतरित होने वाले को नियम से मोक्ष मिलना है। अगली पर्याय में जब 33 सागर की पर्याय को पूरी करके जब भी वे यहां पर अवतरित होंगे, निश्चित रूप से मोक्ष प्रसाद करके वे विद्युत चर मुनि भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे गुरुदेव ने, जैसे विद्युत चर मुनि ने और उनके साथ रहने वाले सारे लोगों ने दीक्षा ले ली, गुरुदेव ने यहां जम्बू स्वामी जैसा एक अभिनव जम्बू स्वामी के रूप में गुरुदेव स्थापित हैं। बंधुओं देखिएगा, पूरे परिवार को दीक्षित किया, और आज वे जहाँ पे जाते हैं वहीं पर एक नया दीक्षार्थी बिना कहे तैयार हो जाता है, जो उनकी उस औदारिक देह करके इतना मोहित होता है, उस देह को देख करके उसको लगता है कि भगवान आप जैसे आदर्श को पाने के लिए आलंबन बताइए, आप जैसे आदर्श को पाने के लिए आलंबन ब्रह्मचर्य का स्वीकार है, साधना का स्वीकार है, उपवास करने पड़ेंगे स्वीकार है, घर छोड़ना पड़ेगा स्वीकार है, केस लॉन्च करना पड़ेगा स्वीकार है, हर चीज स्वीकार है। क्यों? क्योंकि उनको देख करके जब अपने मन के अंदर कल्पनाओं के सुमेरु टूटते हैं और भावनाएं आकार लेती हैं, और जब भावनाओं की उत्कृष्टता धर्म ध्यान में हम पाने के लिए ऐसे आदर्श को स्थापित करते हैं, फिर वो जो कहते हैं सब स्वीकार है। उनके उस जैसे आदर्श को पाने के लिए किसी को कह दिया खजुराहो में बैठना है स्वीकार है, किसी ने कह दिया खजुराहो छोड़ना है स्वीकार है, गर्मी में छोड़ना है स्वीकार है, आप बोलो तो क्या करना है, बस आप जैसे आदर्श के चरणों में हमारा जीवन गुजर जाए, आलंबन की शुद्धि मिल गई, आचरण की शुद्धि मिल गई, और ऐसे पवित्रम आदर्श अगर हमारे और आपके जीवन में मिल गए हैं और अब हमें किसी अन्य चीज की आवश्यकता तो महसूस नहीं होती। भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो गए, इस बात का कोई गम नहीं है, और गुरुदेव हमारे जीवन में है ये महावीर से कम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मणि महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं।